तो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग्स। गाइस आज मैं न्यू रेसिपी लेके आ रही हूँ, एग करी। सो काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ गाइस। सो मैं कैसे बनाती हूँ, सो मेरे तरीका से बना के दिखाऊंगी। सो गाइस आप लोग को पसंद लगे तो लाइक एंड शेयर और कमेंट कर देना गाइस, देखते रहिएगा। सो मैं इसमें तेल ऑलरेडी गर्म हो गया है, मैं जीरा डाल दिया, जीरा को लाइट ब्राउन कर लेते गाइस। तेल गरम हो गया था लेकिन मैंने फ्लेम को लो कर दिया था तो थोड़ा तेल हल्का ठंडा हो गया। सो इतना ही ब्राउन करना है हमें जीरा को। इसमें मैंने प्याज को एकदम फाइन चॉप करके लिया है, इस साथ में जिंजर भी है, तो इसको ऐड कर दे रही हूँ। ये है एक मसाला बना रही हूँ, एक मसाला सब्जी। तो इसमें ऑयल थोड़ा कम पड़ गया लग रहा है, तो मैं उबला हुआ ऑयल है तो उसमें से डाल दी हूँ। मैंने ये तेल जो है गरम करके रखी थी तो इसको थोड़ा डाल देते हैं क्योंकि ऑयल थोड़ा कम पड़ गया है। गरम किया हुआ तेल है लेकिन वो ठंडा ठंडा तेल था, सो थोड़ा ठंडे भी पड़ गए, अभी इसको फ्राई हो जाएंगे। सॉल्ट, प्याज को पकने के लिए सॉल्ट डाल देते हैं। सो प्याज जो है जल्दी पक जाएंगे। मैं गार्लिक है मैंने क्रश करके लिया है गार्लिक को, पहले डालना चाहिए था मैं भूल गई थी, तो अभी ऊपर से जैसे कि प्याज फ्राई हो रहा है सो फ्राई हो ही जाएगा। तो प्याज के साथ थोड़ा लहसुन की खुशबू जो है वो भी बदल जाएगा। पहले जीरा के साथ ही लहसुन को भूनना चाहिए था मुझे कि लहसुन कच्चापन आता, उसका स्मेल जो देता है ना, खुशबू जो देता है वो इतना पसंद नहीं है। चटनी में अच्छी लगती है कच्चा लहसुन की, सब्जी में कच्चा लहसुन जो खुशबू देता है वो इतना किसी को पसंद नहीं होता है। मुझे तो अच्छा लगता है लेकिन किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, तो सब्जी में तो मैं हमेशा पका लेती हूँ हर मसाला, कभी कच्चा नहीं रखते हैं। सो उसको भूनने देते हैं तब तक हम लोग दूसरा मास बाकी स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे। सो इसको तब तक फ्राई करते रहेंगे। सो अभी ब्राउन नहीं हुआ है, बस लाइट कुक हो गया है, प्याज कुक हो रही है मतलब फ्राई हो रहा है। सो हल्का ब्राउन होने के बाद ग्रीन चिली टमाटर मैं साथ में ग्राइंड किया है, पीसा है, ज़्यादा फाइन वो नहीं किया, मिक्सी नहीं किया, सिर्फ चॉपर से चॉप किया है एकदम फाइन, तो वो ऐड करेंगे।
ज़्यादा प्यूरी होता है तभी भी इतना अच्छा नहीं लगता है। सो थोड़ा बहुत दाना दाना सा कुछ सब्जी में होना चाहिए, सो इसलिए मैंने ज़्यादा फाइन नहीं किया, एकदम नॉर्मल। ये कुक हो गया अभी ना, ये सारे मसाला घुल जाएगा ये। सो इसको और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, ब्राउनिश पिंकी टाइप का टेक्सचर पे आने देते हैं इसको फ्राई करके। सो गाइस, पिंकिश टेक्सचर पे आ गया है ये रहा। सो मैं इसमें मसाला ऐड कर देती हूँ। सो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मसाला यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, मैंने इसमें मसाला लिया है, एक है सब्जी मसाला और चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर है, मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो ये रेड चिली पाउडर है, और ये हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर। सो पांच तरीका का मसाला लिया है मैंने। सो ये सारे इंडियन किचन पे रहता है मसाला, सो वही यूज़ किया है। सो मैं फ्लेम को लो कर दिया अभी, क्योंकि मसाला जल जाने से अच्छा नहीं लगते हैं। सो गाइस, मसाला भून गया है, मैं फ्लेम को लो करके रखती हूँ ताकि मसाला जले ना। सो ये रेडी हो गया मसाला। सो मैं घर में मलाई था मेरे पास, सो मलाई थोड़ी सी थी तो मैंने इसमें उबला हुआ दूध थोड़ा सा डाल दिया है, तो मलाई को मैं थोड़ा थिन कर लिया है। सो इसको ऐड कर देते हैं क्रीम की तरह, क्रीम ना हो तो मलाई से भी बना सकते गाइस, मेरे पास क्रीम नहीं है तो मैंने मलाई यूज़ किया है दूध का, फ्रेश मिल्क का। सो देखो गाइस, कितनी डिलीशियस फ्लेवर, एकदम रेस्टोरेंट वाली एक करी में आया है, रेस्टोरेंट वाली एक करी फ्लेवर पे भी आया है। मैं सब कुछ करी इसमें जो इसमें यूज़ होती है सारे मैंने यूज़ किया है मसाला। सो आप लोग भी गाइस, मेरी बनाया हुआ तरीका पसंद है तो फॉलो करना, अगर इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मिल जाएगा आप लोग को, कमेंट करना। और इसका क्या क्या यूज़ किया, अगर मैंने वैसे मसाला सब ऐड किया हुआ है क्या क्या यूज़ किया, सो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस देखो, फ्लेम को मैं थोड़ा हाई कर देती हूँ, थोड़ा पकाते हैं। फ्लेम को लो कर देते हैं। अभी मैंने अंडा को इस बार इस वाली शेप पे काटा है, राउंड राउंड व्हील्स जैसा, तो राउंड राउंड काटी हूँ। तो ये ऐड कर देते हैं, ये चार अंडा है, चार अंडा उबाल के मैंने काट लिया था गाइस। ये जो है, मैं पांच अंडा उबाली थी, पांच अंडा में से ये मेरा बेटा को काट के दिया था, वो ये थोड़ा सा खाया है तो इसको भी डाल देती हूँ। टूटा टूटा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बस कोरिएंडर नहीं था तो मैंने पुदीना से ऐड कर दी, पुदीना लीव्स से, ताकि थोड़ा ग्रीनिश सा दिखे।
आप लोग भी धनिया नहीं हुआ तो कुछ भी अगर मोहन की तरफ दे सकते हैं, सिर्फ धनिया पत्ता हो गया और तुलसी का पत्ता हो गया, पुदीना हो गया, कुछ भी दे सकते हैं। सो गाइस ये अभी रेडी है। सो गाइस आप लोगों को कैसे लगी अंडा मसाला एग करी? सो आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर देना, कमेंट कर देना एंड फॉलो भी कर लेना गाइस। मैं काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, सो मैं थोड़ा बिजी थे। सो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ मैं रोज़ एक वीडियो डालूँगी कुछ ना कुछ बना के, सो कुछ अच्छे कुछ देख के। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। Thank you so much for watching my vlogs. One second. Bye-bye.